आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज भी हम लोग छठ में जा रहे हैं और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। हमारे जो जिसके साथ में हम जाने वाले थे वो 4 बजे ही निकल गए और हमें थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि हम लोग थोड़ी दूरी पे रहते हैं उनसे और थोड़ा सुबह उठने में भी लेट हुआ। तो हम लोग अभी 5 बजे निकल रहे हैं और छोटा वाला भाई जो है उसी के साथ में जा रहे हैं। तो छोटी वाली बहन भी जा रही है, कल वो नहीं जा पाई थी जॉब की वजह से, तो आज वो भी जा रही है और मुझे भी लेके जा रही है और साथ में मैं भी जा रही हूँ। आज मैं साड़ी नहीं पहनी, घर के लिए मैं साड़ी पहनी थी और आज मैंने प्यारा सा ड्रेस पहना है। कैसा लग रहा है मेरा ड्रेस ना, आप लोग कमेंट करके बताना। ये मेरे बर्थडे पे किसी ने गिफ्ट किया था, दरबार के किसी भक्त ने मुझे गिफ्ट किया था और ये कान का भी गिफ्ट किया था। तो चलते हैं हम लोग छठ पूजा का, छठ पूजा में और तालाब पे पहुँच के फिर वहाँ का वीडियो बना के फिर आप लोगों को दिखाएंगे। और सुबह सुबह तो इतना सुंदर लगता है, चारों तरफ दीप जलते हैं, बहुत सुंदर नज़ारा होता है। और दिन उगने से पहले ही हमें वहाँ पे पहुँचना रहता है। तो संगीता भी जा रही है, इसको भी दिखा देते हैं। देखो ये भी जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेगी? बहुत एक्साइटेड हूँ, अभी तो 5:30 बज गए हैं, भाई लेके जाने के लिए रेडी भी हो रहा है, कुछ बोल रही हूँ। और दिन हो जाएगा जब सुबह पे सूरज की पूजा होती है, सूरज निकल जाए तो निकल तो भाग जाएंगे। तो ये भी रेडी हो गई है, बस भाई अभी थोड़ा सा रेडी थोड़ा आनाकानी कर रहा है छोड़ने में। और यहाँ से रिक्शा, सुबह सुबह रिक्शा चलती नहीं है, तो उसी को थोड़ा हम लोग मना रहे हैं कि हम लोग को एक बार वहाँ पर छोड़ दें। ठीक है, तो आप लोगों से हम मिलते हैं छठ पूजा का जो स्थान है उधर पहुँच के। दिख रहा है दृश्य, एकदम मनमोहक लग रहा है, पूरा माहौल जो है पूरा तालाब दीप से जगमगा रहा है, भक्तिमय हुआ है पूरा तालाब, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये बेरी भी आप देख सकते हैं, प्रसाद चढ़ा हुआ है, छठ में एक पूजा की हुई है, प्रसाद रखा हुआ है, साइड में ढोल नगाड़े बज रहे हैं और रात भर यहाँ पे जागरण भी हुआ है। अभी थोड़ी देर में सवेरा हो जाएगा, लोग अर्घ चढ़ाएंगे फिर अपने घर को निकलेंगे, सब अपने अपने परिवारों के साथ में बैठे हैं। Thank you.
कहाँ पे आए हुए हैं, वो संगीता की स्टूडेंट है रागिनी। रागिनी की मम्मी ने भी छठ किया हुआ है, तो हम लोग काफ़ी जगह गए जो हमारे पहचान वाले थे सभी के पास गए, और साथ में रागिनी की मम्मी की, तो उनका भी इधर आए मिलने के लिए, दर्शन के लिए। तो ब्लॉग के अंदर कंटिन्यू बने रहिएगा, आप लोग को और चीज़ें हम वीडियो के अंदर कवर करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे। संगीता है और ये रागिनी, रागिनी हाय कर दो, इनके बच्चे आ रही है। और ये जो है ये सब स्टूडेंट है छोटी वाली बहन के, तो इनकी जो मम्मी लोग है सब लोग ने किया हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह बेबी को सजाया हुआ है फ्रूट के सारे साथ। और ये रागिनी की मम्मी जो सामने खड़ी है, अच्छा रागिनी की मम्मी वो है, रागिनी की मम्मी ये है, ये अच्छा ये रागिनी की मम्मी। और ये जो है ये बच्चे की मम्मी है, ये प्यारी बच्ची गुड़िया दिख रही है, तो उनकी मम्मी है। ये सब लोग ने किया हुआ है, आप देख सकते हैं कितना माहौल कितना सुंदर दिख रहा है, एकदम भक्तिमय हुआ है तालाब पूरा। आपने देखा रात्रि को भी, तो रात को पूरा ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा था, दीप जल रहे थे, और अब जैसे थोड़ा सूरज दिखा दूँ, कहाँ दिख रहे हैं सूरज, अभी सूरज दिख नहीं रहे, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। ओम नमः शिवाय। जब सूर्यदेव भगवान निकलते हैं ना, तो सब अर्घ डालते हैं, जितने भी फैमिली मेंबर के लोग आए रहते हैं अगल बगल वाले, तो मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगी अर्घ कैसे डालते हैं, और मैं खुद अर्घ अभी डालने वाली हूँ, तो आप लोग देखिएगा। आप देखेंगे तो ये जो फैमिली मेंबर है यहाँ पर अर्घ डाल रहे हैं सूर्यदेव भगवान को, जल चढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है, तो अभी हम लोग चल चल के जा रहे हैं, और चल के ही हम लोग घर तक जाएंगे। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर होगा, तो हम लोग चल के ही जाने वाले हैं, फिर वहाँ से प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेने के बाद हम लोग घर पे जाएंगे।
तो पीछे आंटी लोग हैं, सारा सामान लिए हैं, और जो अंकल लोग आए हुए हैं प्रसाद सब सर पे ले ही जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग भी चल के जा रहे हैं, तो पहली बार है का जा रहे हैं, तो काफ़ी हमें अच्छा लग रहा है। मिलते हैं आप लोगों से हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तो इस व्लॉग को हम लोग यहाँ पे ही एंड करते हैं। हरिहर, हर हर महादेव।